हाय फ्रेंड्स, मैं निखिल रमन राजपाल, राजपाल से सरल अकेडमी की तरफ से इस वीडियो को हमारे कंट्री के सारी फीमेल्स को डेडिकेट करता हूं। दोस्तों, हमारे कंट्री में बहुत वक्त से वुमेन एम्पावरमेंट की ड्राइव चल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। कल्पना चावला, मैरी कॉम, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, सुषमा स्वराज, साइना नेहवाल, ऐसे न जाने कई नाम हैं जिन्हें सुनकर हमें लगता है हाँ, हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। पर जब हम निर्भया, असीफा, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हैदराबाद केस या उन्नाव केस, इसके लिए सुनते हैं, न जाने और ऐसे कितने केसेस हैं, तो हमारे मन में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये केसेस हमारे कंट्री के जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब सुनकर हमें लगता है कि क्या वाकई हमारे कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है? शायद नहीं। दिसंबर 2012 में निर्भया केस हुआ, पब्लिक सड़कों पर उतरी, जुडिशियल सिस्टम पे प्रेशर पड़ा, जिसके वजह से लॉ में कई चेंजेस हुए। पर क्या वो चेंजेस सफिशिएंट थे? शायद नहीं। अगर वो चेंजेस सफिशिएंट होते तो आज दिसंबर 2019 में हम लोग उस सेम पोजीशन पे नहीं खड़े होते। दोस्तों, रिसेंटली हम लोगों ने अपनी दो बहनों को खोया है, हैदराबाद केस और उन्नाव केस। हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए एक अलर्ट है कि हम लोगों को न्यू इनेक्टमेंट्स चाहिए। हैदराबाद केस से हम लोग उभरे भी नहीं थे और उन्नाव में एक सेम वैसा ही केस हो गया। दोनों ही केसेस में विक्टिम्स नहीं बच पाए। दोस्तों, ये दोनों केसेस हमारे जुडिशियल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही ये केसेस हुए, हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग न्यूज चैनल चला के न्यूज सर्फ कर ली, इंफॉर्मेशन ले ली, सोशल मीडिया पे पिक्स एंड मैसेजेस हम लोगों ने फॉरवर्ड किए, कैंडल मार्च किया। बस हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विक्टिम और उसके घर वालों पर क्या बीतती है। आप सोचोगे हम लोग इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अपनी अपनी लेवल पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग अपने घर पे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच का नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। घर के बच्चों के साथ दोस्त बन के रहकर हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ उनके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। लड़कियां जब एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ी पर ट्रेवल कर रही हैं, अगर वो सिर्फ निकलते वक्त पेट्रोल चेक कर ले तो उन्हें बीच सड़क में किसी सुनसान एरिया में रुकना नहीं पड़ेगा। बहुत बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें लड़के उन्हें बात करने के लिए या फ्रेंडशिप करने के लिए फोर्स करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं, उस नंबर को सिंपली ब्लॉक कर देती हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस नंबर को ब्लॉक करने की बजाय आप उसे अपने घर पे अपने पिता या अपने बड़े भाई को वो नंबर देकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड करें। तो उससे क्या होगा, ऐसे मनचले लड़कों की हिम्मत वहीं टूट जाएगी। नहीं तो ऐसे लड़के पहले कॉल फिर पीछा और ये सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। फीमेल्स अपने पर्स में पेपर स्प्रे रख सकती हैं अपने सेफ्टी के लिए, ताकि इमरजेंसी के वक्त में वो यूज कर पाएं। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कुकिंग क्लास भेजते हैं, कंप्यूटर क्लास भेजते हैं, उसी तरह हम लोग उन्हें कराटे क्लास या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के क्लास पे भेज सकते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रेंड सर्किल का नॉलेज होना चाहिए, वो किसके साथ आते हैं, किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ जाते हैं, उनका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि हम लोगों को भी अपने सेफ्टी के लिए, अपनी बहनों अपनी बेटियों के सेफ्टी के लिए अलर्ट होना पड़ेगा। और हम लोगों की जुडिशियल अथॉरिटीज से भी ये अपील है कि जल्द से जल्द रेप केसेस के लिए, बच्चों और फीमेल्स के सेफ्टी के लिए न्यू इनेक्टमेंट्स लाए जाएं। मेरी आपसे ये अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। थैंक यू।